Now students, see, fundamental theorem of arithmetic का use क्या है? So, LCM and HCF by prime factorization method. इसको हम निकाल सकते हैं prime factorization से. किस तरीके से LCM and HCF निकाला जा सकता है? Now, first write the prime factorization of numbers. Prime factorization number जिनके भी आप LCM और HCF निकाल. I have given A and B. ये ए एंड बी नंबर है. अब आप क्या कीजिए, ए के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, बी के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए. अब उसके हेल्प से आप एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब एलसीएम एंड एचसीएफ को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? सी एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ विल बी द प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ, स्टूडेंट ध्यान से आप देखिएगा क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ Each common prime factor. Product करेंगे किसका? जो भी common prime factor होगा उसका, किसमें? Smallest power में. Smallest power लेंगे उसकी, जो भी common होगा ना prime factor उसके smallest power. And LCM क्या कहता है? LCM को देखते हैं. See LCM. LCM again कहता है कि product करो of the greatest power, किसका? आपकी बार smallest नहीं कहा, इसने कहा greatest power. Of each prime factor, common factor नहीं कहा, इसने कहा each prime factor involved in the number, involved जो भी होगा number के अंदर, उन सबकी greatest power का आपको करना. देखिए अब मैं आपको एक example के थ्रू बताता हूँ किस तरीके से. For an example, ये मैं statement यही रखता हूँ, ये HCF का, ये HCF. आपको यहां पर नंबर दिया गया कि फाइंड द HCF, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ, फॉर एन एग्जांपल 24 एंड 72 और 72 के हमें निकाल. अब स्टूडेंट देखिए 24 और 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप करिए. नाउ यू कैन 24 का स्टूडेंट क्या होता है? 2 into 2 into 2 into 3. स्टूडेंट इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं 2 to the power 3, यानी 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार. और 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 1. इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए. अगेन दूसरा नंबर है 72. 72 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into 3 into 3. Now student, इसे मैं कैसे लिखूंगा? इसे लिखूंगा 2 की क्यूब into 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 क्या आ रहा है? 2 बार आ रहा है यहाँ. 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है. 2 3 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है. तो अब जरा ध्यान देखिए यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है. HCF के लिए हमें क्या बताना है? कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट करना है. तो आप अगर यहां देखिए यहां पर 2 एंड 2 दोनों जगह है, यहां भी 2 है एंड यहां भी 2 है, तो इसका कॉमन फैक्टर 2 है. एंड 3 भी कॉमन फैक्टर है स्टूडेंट, यहां पर 3 भी कॉमन फैक्टर है. तो 2 एंड 3 बोथ आर द कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स है. नाउ स्टूडेंट जब कॉमन फैक्टर्स हैं तो अब देखिए HCF क्या होगा. HCF विल बी HCF of 24, 72. Common factor है 2 और 2 की smallest power क्या है? दोनों में से, दोनों जगह 3 है तो smallest 3 मानेंगे. एक common factor और है यहां पर जिसका product हमें करना है, जो कि 3. 3 की smallest power क्या है? एक जगह 2 है, एक जगह 1 है, तो यहां पे smallest power 1 है. तो ये कितना हो गया? 8, 2 का cube 8 and 3 That is equal to 24. ये 24 के बराबर हो गया. क्लियर कर देता हूं, थोड़ा ऑड लग रहा है. दिस इज 2 into 3 to the power 1 इज इक्वल टू 8 into 3 is equal to 24. तो HCF तो 24 आ गया.
अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम विल बी एलसीएम ऑफ 24.72, व्हाट विल बी, ये क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि ग्रेटेस्ट पावर का क्या रो, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, ईच कॉमन कॉमन ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। तो यहाँ प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व क्या हो रहे हैं, 2, 3, 2, 3 दोनों जगह एक ही हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे 2 × 3। अब इनकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की दोनों जगह ग्रेटेस्ट पावर सबसे बड़ी क्या है 3, और 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो 2 की क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 72। तो इसका एच एलसीएम क्या है 72, एचसीएफ क्या आया 24। नाउ स्टूडेंट मैं एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा, यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ ले लीजिए दो नंबर, दैट इज 100 ले लीजिए, एंड एक नंबर आप ले लीजिए 7, एक नंबर आप 35 ले लीजिए। नाउ स्टूडेंट अब मैं यहाँ पर 135 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ, 100 कैन बी रिटन इज 2 × 2 × 5 × 5 दैट इज 2 का स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, वेयर एज 35 कैन बी रिटन एज 5 × 7, और यहां क्या होगा इसे मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू 5 × 1 × 7 × 1। नाउ स्टूडेंट इस 135 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ विल बी, आप देखिए यहां कॉमन फैक्टर क्या है, अगर आप देखिए कॉमन फैक्टर है यहां पर 5 और 5, अब आपको कॉमन फैक्टर 5 और एक ही फैक्टर है तो उसकी भी स्मॉलेस्ट पावर आपको होगी, स्मॉलेस्ट पावर इज 1, 5 की स्मॉलेस्ट पावर कॉमन फैक्टर में क्या है 1, एचसीएफ यहां क्या मिला आपको 5। एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम अगर आपको निकालना है दोनों नंबर का, एलसीएम जितने भी नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन पे, 135 को नंबर क्या है 2, 5, 7, 2 आ रहा है 5 आ रहा है एंड 7 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 5 2 आ रहा है, तो आप लिखेंगे 2 × 5 × 7। नाउ स्टूडेंट सी 2 की ग्रेटर पावर क्या है, 2 एक ही जगह आ रहा है और उसकी पावर है 2, 5 दो जगह आ रहा है लेकिन ग्रेटर पावर क्या है 2, एंड 7 भी एक ही जगह आ रहा है उसकी भी पावर 1 है, तो जब हम इसे करेंगे ये आएगा 4 × 25 × 7 एंड दैट इज इक्वल टू द 700 के बराबर आए। सो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं लेटर ऑन आपको और एग्जांपल, एक और रिलेशन में यहाँ पर आपको बता देता हूँ साथ के साथ, जो कि एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड है, और वो रिलेशन क्या कहता है देखिए, वो रिलेशन कहता है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स से दैट ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ द सेम नंबर, आपने ए और बी का एचसीएफ निकाला, ए एंड बी का एलसीएम निकाला, उन दोनों की प्रोडक्ट आप करेंगे वो बराबर आएगी किसके, उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। किस तरीके से स्टूडेंट, मैं आपको एक अगेन, अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पर दो नंबर यानी 135, यहाँ पर ए इज इक्वल टू 100 ले लेता हूं मैं एंड बी इज इक्वल टू 35 ले लेता हूं। यहां पर आप देखिए जब आपने इनका एलसीएम निकाला था तो एलसीएम विल कम आउट 700 एंड एचसीएफ कितना आया था इन दोनों नंबर का, एचसीएफ इज इक्वल टू 30, HCM will come, HCF 5 आया था स्टूडेंट, HCF is 5। Now students see, HCM into HCF यहाँ पे यानी कि 700 into 5 is equal to 3500 यानी 3500, whereas दोनों नंबर की मल्टीप्लीकेशन यानी कि 100 into 35 ये भी स्टूडेंट कितनी आ रही है 3500। तो आप देख रहे हैं एलसीएम क्या मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ से, प्रोडक्ट एचसीएफ से वो उतना ही आ रहा है जितना बाकी दो नंबर की प्रोडक्ट, यानी जिन नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ है उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो ये हमारा क्या था, एक और एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड है यहाँ क्या था स्टेट। नाउ सी अनदर,